हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बूंदी की कढ़ी। आपने बूंदी का रायता तो बहुत खाया होगा, आज देखिए बूंदी की कढ़ी। यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची, प्याज, लहसुन ये सब लिया हुआ है एक बाउल में। और इसके बाद तड़के के लिए मैंने मेथी, जीरा और सरसों है, ये प्याज और मिर्ची है, और करी पत्ता एंड हींग ये सब तड़के के लिए, और टमाटर काट कर रखे हुए हैं। अब मैंने जो बाउल में मसाले रखे थे उन सबको ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए ये ग्राइंड हो चुका है। इस तरह से पेस्ट बना लेना है उन मसालों की। अब इसके बाद टमाटर की भी पेस्ट बना लेंगे हम। टमाटर भी उसी तरह फाइन पेस्ट बनाना है। इसके बाद जो मसाले पेस्ट बनाए थे उसमें हल्दी, कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी मिर्च सिर्फ कलर के लिए, तीखा नहीं करना है, ये सब मिला देंगे। अब मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल रख दिया है गर्म होने। आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले करी पत्ता डालेंगे। उसके बाद जो हमने तड़का रखा था सरसों, जीरा और मेथी के दाने, इन तड़के को डाल देंगे। और थोड़ा सरसों के स्प्लिट होने तक, आवाज़ आने तक हम उन्हें भून लेंगे। एक बार ये पूरा तड़का अच्छे से भुन जाए और करी पत्ता का फ्लेवर तेल में आ जाए उसके बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे। अब देखिए करी पत्ता अच्छे से लगभग भुन चुका है। अब हम इसमें प्याज और मिर्ची जो काट कर रखी थी वो डाल देंगे और प्याज के ब्राउन होने तक भून लेंगे। देखिए अब धीरे धीरे प्याज ब्राउन होना शुरू हो चुका है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि प्याज गल जाए अच्छे से। अब इसमें हमने जो मसाले का पेस्ट रेडी किया था वो डालेंगे और उसे थोड़ी देर चलाते हुए हम भूनेंगे। देखिए अब मसाले को थोड़ा हमने भून लिया है। अब हम इसमें लगभग ये तेल छोड़ने लग गया है साइड से। जब ये तेल छोड़ने लग जाए उसके बाद ही हम इसमें टमाटर डाल देंगे, जो पेस्ट बनाया हुआ था वो टमाटो का पेस्ट। अब हम टमाटर को भी अच्छी तरह से इसमें, जब तक ये साइड में तेल ना छोड़ दर, भूनेंगे। कुछ देर तक इसे ढक कर फिर भूनेंगे। देखिए अब ये अच्छे से उबलने लगा है, भुनने लगा है। अब देखिए हमने इसे ढककर भी थोड़ी देर तक पकाया था और थोड़ा थोड़ा किनारों से तेल छूटने लगा है, लेकिन अभी भी हम थोड़ा पकाएंगे क्योंकि पानी दिख रहा है अभी तो। इसे एक बार फिर ढक देते हैं और थोड़ा 2-3 मिनट के बाद देखिए अब ये अच्छे से भुन गया है, इसका पानी सूख चुका है। अब ये है दही और बेसन का घोल। दही और बेसन का घोल अब इसमें डाल देंगे और पानी डाल देंगे ताकि बहुत गाढ़ा ना हो कढ़ी, क्योंकि इसमें बाद में हम बूंदी डालने वाले हैं तो उससे वो ऐसे ही गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए पानी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और गर्म पानी ही डालें। ठंडा पानी डालने से इसका फ्लेवर कम हो जाता है, इसलिए हमेशा इस तरह की करी बनाने के लिए गर्म पानी का ही उपयोग करें। तो देखिए अब इसमें हम गर्म पानी डाल देते हैं जितना हमको चाहिए क्वांटिटी। इसमें कढ़ी डालने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, अभी ये पतला दिख रहा है लेकिन बाद में ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कढ़ी में उबाल आने लगा है। अब इसी तरह इसको उबालते हुए लगभग 5 मिनट तक हम
गैस पर रहने देंगे। हाई टू मीडियम फ्लेम पर इसे उबालेंगे। अब ये लगभग उबल गया है। ये है बूंदी हमारा। इस बूंदी को हम इस कढ़ी में डाल देंगे। बूंदी डालने के बाद आप 2 मिनट तक इसे पका सकते हैं। 2 मिनट तक उबाल आने तक पकाएं। देखिए बूंदी डाला है जैसे ही हमने, अब यह धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। देखिए अब देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लग गया है। बस इसमें उबाल आने तक अब हमको पकाना है। देखिए अब इसमें उबाल आने लग गया है, अब यह पक चुका है। इस कढ़ी को आप चावल, रोटी, पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब लास्ट में इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। हरे धनिए से इसे गार्निश कर दें और सर्व करें। देखिए अब आप देख सकते हैं गाढ़ा हो चुका है। इट्स यमी।